बहुचर्चित रणवीर चौधरी हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 25,000 की इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीष साड़ीवाल पिछले 4 वर्षों से फरारी काट रहा था। 22 दिसंबर 2019 को श्रीनाथपुरम स्टेडियम के पास रणवीर चौधरी की फायरिंग कर हत्या कर दी थी। रणवीर चौधरी भानु गैंग के सरगना भानु प्रताप की प्रतिद्वंदी शिवराज गैंग द्वारा गैंगवार में हत्या करने के उपरांत भानु गैंग का संचालन कर रहा था। इसी गैंगवार में रणवीर चौधरी की हत्या प्रतिद्वंदी शिवराज गैंग के द्वारा रणवीर चौधरी के श्रीनाथपुरम स्टेडियम के घूमकर बाहर आते समय कर दी गई थी। इस मामले में 9 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड में 4 अभियुक्त घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे एवं इनकी काफी समय से टीमें गठित की जाकर तलाश की जा रही थी। 4 आरोपियों का न्यायालय से स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी करवाए जा चुके हैं। आरोपी मनीष साड़ीवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फरार आरोपियों पर 25,000 रुपए के इनाम घोषित करवाए गए थे। जयपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा पीछा करके मनीष सको डिटेन करके थाना आरकेपुरम पर लाकर पेश किया, जिसको प्रकरण में वाचित होने पर गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। फरारी के दौरान गैंगस्टर मनीष साड़ीवाल द्वारा किए जाने वाले अपराधों के बारे में भी अनुसंधान के दौरान अपराधी से गहन पूछताछ से खुलासा होने की संभावना है।